दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। तो मौसम विभाग लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है और जानते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा, साथ ही किन क्षेत्रों में होने वाली बारिश और कहाँ रहेगा मौसम शुष्क, कहाँ पड़ने वाली ठंड, जानते हैं मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट को थोड़ा विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा आप अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि अपडेट रहे आप सभी खबरों से। चलते अपडेट की ओर, क्या निकल रहा है मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की आशंका है आज के दिन 24 घंटे। यहाँ के लोग सावधान रहे, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। दोस्तों उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं, एक नया पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है जिसके कारण एक बार फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के न्यूनतम तापमान बढ़ेंगे लेकिन मौसम शुष्क ही बना रहेगा। दिल्ली प्रदूषण की बात करें तो घटती हुई वायु गुणवत्ता को मद्देनजर रखते हुए प्रदूषण एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच सकता है, यानी कि दिल्ली वासियों के लिए हम कह सकते हैं खराब खबर है। अभी इनका जो प्रदूषण है वो फिर से बढ़ने वाला है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में जो बारिश और बर्फबारी होगी इसके कारण जो ठंडी हवाएं पहुंचेगी मध्य भारत में, इसके प्रभाव से बढ़ेगी यहाँ पर ठंड। दोस्तों मध्य भारत में ठंडे उत्तरी पश्चिमी हवाओं के चलते पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के न्यूनतम तापमान गिरेंगे, हालांकि मौसम शुष्क ही बना रहेगा। दूसरी ओर दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी अपेक्षित है। इस बीच एक विपरीत चक्रवात महाराष्ट्र पर बना हुआ है जिसके कारण कोंकण, गोवा के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां नहीं हो रही है जिसके कारण यहाँ शुष्क ही मौसम ही बना रहेगा। और हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में दिन और रात के तापमान गिरने की प्रबल आशंकाएं हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर भारत पर पूर्व दिशा से आने वाली हवा के चलते दिन और रात के तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ने वाले हैं। वहीं असम के एक दो स्थानों पर घना कोहरा भी छाया रह सकता है। तो संपूर्ण पश्चिम प्रायद्वीप पर शुष्क मौसम बना रहेगा, हालांकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तेलंगाना में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बने रहने की आशंकाएं हैं। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों हम कह सकते हैं कि आज संपूर्ण देश में ठंड बढ़ने वाली है। कुछ क्षेत्रों में जो है दिन के तापमान में थोड़ी गर्मी रहेगी, बाकी उत्तर भारत, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इन क्षेत्रों में जो है बर्फबारी और बारिश हो सकती है। यह लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग का। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कुछ सुझाव हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते इंडिया।